ओके तो स्वागत है आपको ज़ॉम्बी एपोकलिप्स के 400 डेज में। लास्ट वाले 100 डेज में माइकल के परिवार और लेस्टर को ढूंढने के लिए और साथ में वायरस को फैलाने के पीछे किन लोगों का हाथ है उनको ढूंढने के लिए माइकल एक सीक्रेट ग्रुप को ज्वाइन करता है। पर जिन लोगों ने इस वायरस को लॉस सैंटोस में फैलाया है उनको ढूंढना आसान नहीं था, तो उसके लिए इनको एक तगड़े बंदे की जरूरत थी जिसका नाम है किम येल, जो पेशे में एक बहुत बड़ा हैकर है। पर उसको जेल के अंदर तगड़े नाकाबंदी के साथ रखा जाता है। उसको कैसे जेल से बाहर निकाला जाए इसके तहत कर्नल एक बहुत तगड़ा प्लान बनाते हैं और उसी प्लान के तहत माइकल और ट्रेवर को जेल के अंदर भेजा जाता है किम को बाहर निकालने के लिए। और काफी मुश्किलों के बाद माइकल और ट्रेवर किम को प्रिजन से बाहर निकालने में सफल हो चुके थे। और बाद में जब किम जो लोग इस वायरस को लॉस सैंटोस में फैलाया है उनको ट्रैक करने की कोशिश करता है तो सामने आता है 64 लोकेशन, जिनमें से किसी न किसी एक लोकेशन के अंदर हो सकता है माइकल की फैमिली और लेस्टर को रखा गया हो। अब आगे क्या होता है चलिए जानते हैं। तो माइकल को ये तो पता चल चुका था कि उसका परिवार कहाँ पे हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज़ का था कि जगह बहुत ही ज़्यादा है और उन्हीं में से कहीं ना कहीं एक जगह पे वो लोग हो सकते हैं। सब कुछ आने के बाद माइकल अकेला ही उन जगहों पर जाने की सोचता है उन लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि वो किसी को भी और खतरे में डालना नहीं चाह रहा था। लेकिन फ्रैंकलिन और ट्रेवर माइकल के उस फैसले से बहुत गुस्सा हो जाता है। लेकिन माइकल तो भैया था ढीठ इंसान, वो कहाँ किसी का बात सुनने वाला था। उल्टा वो ये कहता है कि मैं चाहता हूँ लेस्टर और बाकियों को बचाने के लिए, और तुम सब यहाँ पे रुको और पता करो इस वायरस को फैलाने के पीछे और कौन कौन लोग हैं। वैसे एक का तो नाम हमें पता चल चुका है, जो था लामार। माइकल किसी की बात सुन ही नहीं रहा था, वो बस एक ही बात को दोहराया जाता है। फ्रैंकलिन और ट्रेवर अकेला माइकल को वहाँ जाने देना तो नहीं चाह रहा था, पर अफसोस कि उनको हाल छोड़ना पड़ा। माइकल किम से पूछता है और कुछ जानकारी मिला है या नहीं, तो किम बताता है कि 64 जगहों में से थोड़ी देर पहले जो हलचल दिख रहा था वो होना अब बंद हो चुका है। माइकल को ये डर सता रहा था कि कहीं लस्टर और उसकी फैमिली को लोगों ने कुछ कर ना दिया हो। किम पूरी जान लगा के उस प्रॉब्लम का हल ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसके बाद कुछ भी उसको पता नहीं चलता है। और इस प्रोसेस में 2 घंटे बीतने के बाद माइकल और टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा था, इसलिए सभी को कहता है अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे फौरन बताएं। और ये कह के वो अकेला ही वहां से निकल जाता है लेस्टर और अपने परिवार को ढूंढने के लिए। हो ना हो माइकल हमेशा होशो आवाज में रह के काम करता है, लेकिन शायद इस बार भावुक में आके उसने एक बहुत बड़ा गलत फैसला ले लिया। ट्रेवर माइकल को अकेला वहां पे जाने तो देना नहीं चाह रहा था, इसलिए माइकल के पीछे पीछे वो भी निकलने लगता है। साथ में जनरल साहब और फोर्स के कुछ लोग भी जाने लगते हैं। वैसे जाना तो फ्रैंकलिन भी चाह रहा था, लेकिन ट्रेवर ने उसे रोका और बोला बेस में रह के उन बदमाशों का नाम पता करें, और अगर पता चले तो एक एक करके सबका नाम बोलना, उनकी खोपड़ी खोलने की जिम्मेदारी मेरी है। इधर माइकल अपने फैमिली के तलाश में जाने लगता है उन 64 जगहों को देखने के लिए। उसके पीछे पीछे जाते हैं ट्रेवर, जनरल साहब और साथ में आर्मी के कुछ लोग। और उधर फ्रैंकलिन और किम येल पूरे फोकस के साथ उन 64 जगहों के बारे में हर एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। माइकल ने उन 64 जगहों का एक लिस्ट बना लेता है ताकि वो एक एक करके सभी जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाए। और उसके लिस्ट में पहला जो लोकेशन था वो था बक्सटार फैक्ट्री। तो वो अपनी गाड़ी की रफ्तार को तेज करता है और जाने लगता है लिस्ट में लिखे गए सबसे पहले लोकेशन पे। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो शायद होना नहीं चाहिए था। रास्ते में इतने सारे ज़ॉम्बीज थे और मंजिल अभी भी वहां से बहुत दूर था, और ऊपर से ऐसे टाइम पे उसकी गाड़ी खराब हो जाती है। अब वो उसको ठीक तब कर पाएगा जब वहां का माहौल शांत होगा। वहां इतने सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे कि माहौल जो वो और भी ज्यादा बिगड़ रहा था। आसपास वो देखने की कोशिश भी करता है, पर वहां व्हीकल्स तो थे लेकिन सबके सब खराब हो चुके थे। और अब उसके पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे करने के लिए। पहला, या तो वो गाड़ी को छोड़ दे और पैदल जाए उन लोकेशंस पे जो मुमकिन नहीं था, क्योंकि इसमें टाइम की बर्बादी तो है ही साथ में रिस्क बहुत है। और दूसरा, माहौल को शांत करे और उसके बाद गाड़ी को ठीक करने के बाद वापस मंजिल की ओर बढ़े। दोनों कामों में टाइम की बर्बादी तो थी, लेकिन उसके पास इन दोनों के अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था करने के लिए। इसलिए उसने सेकंड ऑप्शन को चूज करता है और हर एक ज़ॉम्बी को मैली हथियार से वार करके खत्म करने लगता है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे गन का इस्तेमाल करता तो गोलियों के आवाज से ज़ॉम्बीज की तादाद घटने की वजह उल्टा और बढ़ता। इधर ट्रेवर भी माइकल से काफी दूर था, इसलिए वो चाहकर भी माइकल की मदद नहीं कर पाएगा। और माइकल तो भैया कसम से बताओ इतना ढीठ इंसान तो मैंने आज तक देखा नहीं है भाई, अपनी प्रॉब्लम भाई किसी को बताता भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है
है, वो नहीं चाहता कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके पास आए, और पहले से इतना प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है, ऊपर से और कोई प्रॉब्लम वो नहीं चाहता, इसलिए किसी को भी अपने प्रॉब्लम के बारे में नहीं बताता। अब माइकल अपनी जान जोखिम में डाल के ज़ॉम्बीज़ को मार तो रहा था, लेकिन उनका तादाद घटने की वजह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उसके बाद उसने देखा सिचुएशन ठीक करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उसको मजबूरन अपना फैसला बदलना पड़ा और पहले वाले ऑप्शन को अपनाना पड़ा, जो गाड़ी को छोड़ के पैदल ही आगे बढ़ना था, क्योंकि पहले ही बहुत टाइम बर्बाद हो चुका था और वो और टाइम बर्बाद नहीं करना चाह रहा था। एक तो माइकल के पास गाड़ी नहीं है, ज़ॉम्बी चारों तरफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और ऊपर से बारिश इतनी गिर रही थी भाई कि दिमाग खराब हो जा रहा था माइकल का, क्योंकि बिजली कड़कने की आवाज से फुटस्टेप उसको सुनाई नहीं देता है, जो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था, क्योंकि कब कहां से हमला कर दे कुछ भी आइडिया नहीं। इधर ट्रेवर माइकल की गाड़ी के लोकेशन पे पहुंचता है तो वो आसपास खून खराबे को देख के वो बहुत ही ज्यादा वो लोग डर जाते हैं, और ऊपर से वहां इनको माइकल की गाड़ी तो वहां पे नजर आ रहा था, लेकिन माइकल उनको कहीं पर भी नहीं दिखता है। थोड़ी देर इधर उधर जाके उन लोगों ने देखा तो उनको पता चल चुका था कि यहाँ पे माइकल को ढूंढना कोई फायदा नहीं है, शायद माइकल पैदल ही उन लोकेशन पे चला गया होगा, आगे बढ़ चुका होगा। अब इनको ये तो मालूम पड़ गया था कि माइकल के साथ वहां पे क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद माइकल लोकेशन की ओर किस तरफ से गया होगा उनको ये समझ में नहीं आ रहा था। पैरों के निशान भी उनको नहीं दिख रहा था क्योंकि बारिश गिर रही थी, और जिसके कारण सारे के सारे पैरों के निशान मिट गया है। सभी आसपास के जगहों को अच्छे से जाके देखने लगती है, पर उनको माइकल कहीं पे नजर नहीं आ रहा था, तो इसलिए ट्रेवर ने सोचा कि ऐसे अगर ढूंढते रहेंगे तो माइकल हमें कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो लोग सीधा 64 जगहों में से सबसे पहले जगह जो था वो सभी वहां पे जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि माइकल को ट्रेवर बहुत अच्छे से जानता है, चाहे कुछ भी हो जाए माइकल रुकने वालों में से तो नहीं था। इधर ट्रेवर और टीम माइकल की खोज में बक्सटर फैक्ट्री की ओर निकल पड़ते हैं एक शॉर्टकट लेके, ताकि वो लोग जल्दी से पहुंच सके। तो उधर भी माइकल ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए बिना रुके जाने लगता है मंजिल की ओर, और ऐसे कई घंटे मुश्किलों भरे सफर तय करने के बाद आखिरकार माइकल पहुंच जाता है 64 जगहों में से सबसे पहले लोकेशन जो था बक्सटर फैक्ट्री में। जाने के बाद वो सावधानी बरत के हर एक जगह को अच्छे से देखने लगता है, ताकि अगर वहां पे कोई भी मौजूद होता है तो उनको माइकल के आने का कोई भनक तक ना लगे। पर काफी देर यहाँ वहां सर्च करने के बाद भी माइकल को कोई भी इंसान वहां नहीं दिखता है, बस थे तो सिर्फ वहां पे ज़ॉम्बीज और उनका आतंक। ज़ॉम्बीज को मारते हुए वो हर एक जगह को एक बार और अच्छे से देखने लगता है, ताकि जल्दबाजी के चक्कर में उससे कुछ छूट ना गया हो। और जैसे ही वो एक कमरे में घुसता है तो वहां का नजारा देख के वो थोड़ा घबरा जाता है। पूरी जगह खून से रंगा हुआ था और डेड बॉडीज को देख के तो यही लग रहा था या तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया होगा या फिर यहाँ पे कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया होगा। वहां से माइकल को जो भी मिला उसने क्लू मान के सभी चीजों को बैग में भर लेता है और फटाफट वहां से निकलने लगता है, क्योंकि गोलियों की आवाज से ज़ॉम्बीज़ तो माइकल की तरफ अट्रैक्ट हो ही रहे थे। बाद में पुलिस और कुछ गुंडे भी आ जाते हैं वहां पे माइकल के ऊपर हमला करने के लिए। जैसे तैसे माइकल ने उनको मारा, उसके बाद देखा तो डेड बॉडीज को बड़े मजे के साथ ज़ॉम्बीज़ खा रहा था भाई, और कोई वहां पे ना आ जाए इसलिए माइकल उन्हीं की गाड़ी को लेके वहां से निकल जाता है। पर पुलिस की गाड़ी लेके कहीं पे जाना भाई उनके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि दो दिन पहले जेल से उन लोगों ने किम यल को भगाया था, तो भैया ये माइकल तो कतई नहीं चाहेगा कि भैया एक कार के चक्कर में उनका पूरा प्लान चौपट हो जाए। वो ये सब बातों को सोच ही रहा था कि रास्ते के बगल में उसको कुछ गाड़ी नजर आ जाती है, वो फटाफट गाड़ी को बदलता है और उसके बाद जितना उससे हो सकता था गाड़ी की स्पीड को फुल करता है और तेजी के साथ वहां से निकलने लगता है और जाने लगता है लिस्ट में अगले लोकेशन की ओर। इधर माइकल जाता है अगले लोकेशन की ओर, तो उसके थोड़ी देर बाद माइकल की खोज पे ट्रेवर और टीम पहुंचते हैं बक्सटर फैक्ट्री में। लेकिन जब तक ये लोग बक्सटर फैक्ट्री पहुंचते हैं तब तक माइकल वहां से निकल चुका था। थोड़ा आसपास देखने के बाद उनको पता चल चुका था कि माइकल यहां से 9:00-11:00 हो चुका है, लेकिन इतनी जल्दी वो वहां से निकल जाएगा वो देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। आसपास थोड़ा वो लोग देखने लगते हैं ताकि उनको भी कोई क्लू मिले, लेकिन माइकल ने भैया सभी चीजों को सोफा चाट करके वहां से निकल जाता। वहां पे रह के टाइम की बर्बादी तो वो लोग नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए फटाफट गाड़ी पे बैठे सभी लोगों ने और ट्रेवर पूरी रफ्तार के साथ भगाने लगता है और जाने लगता है अगले लोकेशन की ओर। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसी गाड़ी को लेके आए थे ना भैया बारिश गिरने के चक्कर में भाई वो फिसल इतना रहा था कि भाई ट्रेवर उसको काबू में नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो लोग जा ही रहे थे कि ट्रेवर को रास्ते के बाजू में कुछ गाड़ी नजर आ जाती है, तो उन लोगों ने अपनी गाड़ी को बदला और उन दो सोल्जर्स को कहा गया गाड़ी को लेके बेस पे चले जाने के लिए, जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। अब इधर माइकल बढ़ता है लिस्ट में से दूसरे जगह की ओर, पीछे पीछे जाने लगता है ट्रेवर और जनरल साहब।
तो उधर फ्रैंकलिन उस फूड ट्रक वाले बंदे से पूछता है कि उस पूरे गैंग में और कौन कौन शामिल है, और साथ में उस लामार के बारे में भी उसने पूछा। आखिर वो लोग किसके लिए काम करते हैं, लामार के लिए या किसी और के लिए? पर उस बंदे ने अपना मुंह नहीं खोलता है, और जब उसको थोड़ी सी मार पड़ी तो उसने अपना मुंह खोला, पर तब भी उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। बस उसने यही बोला कि उन लोगों को हायर किया गया था बहुत सारा पैसों के लालच देके, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए तो उन लोगों ने हमें उनके तरफ से काम करने के लिए फोर्स करने लगे, और जब हमने मना किया उनके लिए काम नहीं करेंगे बोलने लगे तो उन्होंने मेरी फैमिली को अगवा कर लिया और बोलने लगे कि हम अगर उनके लिए काम नहीं करेंगे तो वो उनको मार देंगे, और इस काम पे मैं ही सिर्फ अकेला इंसान नहीं हूँ जो उनके लिए काम कर रहा है, मेरे जैसे न जाने और कितने लोग होंगे जो मजबूरी के कारण उनके लिए काम करना पड़ रहा है। फ्रैंकलिन उसकी बातें तो सुन रहा था लेकिन उसकी किसी भी बातों पे यकीन वो नहीं करता है। वो पूछता है उनके लीडर के बारे में जिसके लिए वो लोग काम कर रहे हैं, तो उस बंदे ने कहा उन लोगों ने कभी भी उनको आमने सामने नहीं देखा है, जब भी कुछ काम होता है तो बस एक फोन कॉल आता है और हमें काम करने के लिए ऑर्डर दिया जाता है, तो मतलब लीडर के बारे में उसे भी कुछ जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने एक फोन कॉल के जरिए उनको काम करने के लिए बोला जाता है ये सुना, तो फ्रैंकलिन फटाफट जाता है किम के पास और किम को जाके सारी बातों को बता देता है। तो उसके तहत किम ने भी एक बार कोशिश करके देखता है फोन कॉल को ट्रैक करने की, पर कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि फोन कॉल को बहुत ही ज्यादा एडवांस तरीके से डिजाइन करा गया था। मतलब कॉल पे एक ऐसा वॉइस चेंजर लगाया गया था जिसे हटा के ओरिजिनल वॉइस को पता करना लगभग ना के बराबर था, पर किम तब भी उस पे लगा हुआ था कॉल से वॉइस चेंजर को हटा के ओरिजिनल वॉइस को पता करने। और तभी वहां पे आता एक साइंटिस्ट और आके कहता है इस वायरस का आक्रामकता इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है वो उनको पता चल चुका है, पर उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये वायरस इंसानों के ऊपर कैसे असर दिखा रहा है, जबकि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये वायरस पहली बार देखा गया था चींटियों के अंदर। मतलब जैसे ये वायरस किसी चींटी के सेल में घुसता है तो वो धीरे धीरे उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है, जिससे वो कुछ ही समय के अंदर वो अपने आप में नहीं रहता और ज़ॉम्बीज़ की तरह वो रिएक्ट करना शुरू कर देता है। और अब वो वायरस इंसानों के ऊपर असर दिखाने लगा है, और वो भी इतने खतरनाक तरीके से, ये देख के सभी शॉक्ड हो जाते हैं। फ्रैंकलिन पूछता है तो हम लोग वायरस को रोकेंगे कैसे, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम लोग इस महामारी को रोक पाए। तो तभी साइंटिस्ट ने कहा एक रास्ता है, पता नहीं वो असर करेगा भी या नहीं। फ्रैंकलिन ने कहा एक बार हम कोशिश तो करके देख सकते हैं ना। तो साइंटिस्ट ने कहा पर अगर वो तरीका काम नहीं किया तो वो बहुत जानलेवा साबित होगा और शायद वो और भी खतरनाक तरीके से असर दिखा सकता है, पर जो भी हो हम एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता ये अच्छे से काम कर जाए। तो हमें कुछ इसके लिए पौधे चाहिए, केमिकल्स का जुगाड़ हो जाएगा, और टेस्ट करने के लिए एक इंसान भी चाहिए। अलग अलग पौधों के ऊपर वो लोग टेस्ट करके देखेंगे, और दवाई बनने के बाद उसे टेस्ट करके देखा जाएगा वो किस तरह से वायरस पे असर दिखाता है जब कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटता है। तो साइंटिस्ट ने कई सारे पौधों का एक लिस्ट बनाता है, और फ्रैंकलिन उस लिस्ट को लेके निकल जाता है उन सभी पौधों को लाने के लिए। और इधर एक एक करके दो तीन जगहों को देखने के बाद भी माइकल को ना ही कुछ क्लू मिलता है और ना ही उसकी फैमिली, पर अभी भी उसने हिम्मत नहीं हारी, जाता है अगले लोकेशन पे। जगह को अच्छे से देखने के बाद वो आगे बढ़ने लगता है, और ऐसे देखते देखते वो जब बहुत ही ज्यादा नजदीक चला जाता है तो उसको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलता है जो बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाला था। वहाँ पे इतनी सारी चीजें थे, बैग वगैरह सब कुछ चीजें थे, और बैग के अलावा भी वहाँ पे और कई सारी चीजें थे। और एक चीज पे तो देखा उसने कुछ ड्रग्स टाइप कुछ पाउडर उसको मिलता है, पहले उसने सोचा कि वो ड्रग्स होगा लेकिन जैसे उसने ध्यान से देखा तो वो तो कुछ और ही निकला। क्या था वो तो उसे समझ में नहीं आया, लेकिन इतना उसे पता चल चुका था कि वो ड्रग्स तो नहीं था। आसपास थोड़ा देखने लगता है पर वहाँ भी उसे और कुछ नहीं मिला, तो वो वहाँ से भी निकल जाता है और जाने लगता है अगले लोकेशन की ओर। इधर एक एक करके माइकल सभी जगहों को तलाश करता है, पीछे पीछे उसको फॉलो करते हुए आता है ट्रेवर। करीब वो इसलिए नहीं आ रहा था ताकि माइकल गुस्से में आके कोई गलत कांड ना कर ले, इसलिए दूरी बरकरार रखते हुए वो माइकल के पीछे पीछे आ रहा था उसको फॉलो करते हुए। तो उधर फ्रैंकलिन भी पहुंच जाता है पहले स्पॉट पे जहां उसको पहला पौधा मिलने वाला था।
पर बहुत ही ढूंढने के बाद भी उसे कोई पौधा वहाँ पे नजर नहीं आता है। और ऊपर से इतने सारे वहाँ पे ज़ॉम्बीज आ रहे थे कि पूछो मत। ज़ॉम्बीज को मारते मारते ही वो पौधे को ढूंढने लगता है और करीब 1.5 घंटे ऐसे ही ढूंढते ढूंढते उसको आखिरकार वो पौधा मिलता है। तो वो फटाफट उसको लेके बैग में भर लेता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन वहां पे इतने सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे, उनको मारते मारते फ्रैंकलिन का दिमाग घूम जाता है और गुस्से में आके वो लॉन्चर को चला देता है, जिससे वहां पे ज़ॉम्बीज तो कम हो जाते लेकिन तो उसने देखा कि लॉन्चर के धमाके के कारण वो अपनी गाड़ी को भी उड़ा देता है, जिसके कारण अब उसको भागते अपने लोकेशन की ओर भागना होगा जब तक कि उसे कोई दूसरा गाड़ी नहीं मिल जाता जो ठीक हालत में हो। पर थोड़ी देर बाद वो देखता है कोई बंदा उसी की तरफ आ रहा था, और इससे पहले कि वो फ्रैंकलिन के ऊपर हमला करता, फ्रैंकलिन ने उसके चैप्टर को क्लोज कर देता है और उसी की गाड़ी पर सवार होकर वो बढ़ जाता है अगले लोकेशन की ओर, जहां पे उसको अगला पौधा मिलने वाला था। और वो अगले लोकेशन की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसको एक सर्वाइवर दिखती है जो मदद मांग रही थी। चिल्ला सुन के फ्रैंकलिन जाता है उसके पास और उसकी हेल्प करता है। माल को थोड़ा शांत करके लड़की से वो पूछता है वो कौन है और यहाँ पे अकेली वो क्या कर रही है। तो जवाब में उस लड़की ने कहा वो अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके पापा को ढूंढने निकली थी, पर रास्ते में कुछ गुंडों ने उनके ऊपर हमला कर देता है। लड़ाई में उन लोगों ने मेरे सभी दोस्तों को मार दिया और वो लोग मुझे मारने ही वाले थे कि तभी आप यहाँ पे आ गए। फ्रैंकलिन ने पूछा उसके पापा के बारे में, तो उसने अपने पापा की तस्वीर दिखाई। तो फ्रैंकलिन ने उस इंसान को देखते ही फौरन पहचान जाता है, क्योंकि ये वही इंसान था जिनकी मदद से ये लोग लॉस सैंटोस में वापस इलेक्ट्रिसिटी ला पाए थे, और ये लड़की उन्हीं की बेटी है। तो फ्रैंकलिन उनके बारे में सब कुछ उस लड़की को बताता है कि कैसे वो लोग उनसे मिले और क्या क्या उनके साथ हुआ। लेकिन बातों बातों में वहां के हालत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने वाला था, क्योंकि जो लोग जख्मी हालत में वहां पे पड़े हुए थे ज़ॉम्बीज ने उनको काट लेता है और धीरे धीरे करके वो लोग ज़ॉम्बीज में बदले। इसके पहले उनको मजबूरन वहां से निकलना पड़ा क्योंकि उनके पास इसके अलावा और दूसरा कोई चारा भी नहीं था। रास्ते में फ्रैंकलिन ने उस लड़की को समझाता है हम लोग उनको ढूंढ रहे हैं, वो लोग जल्दी मिल जाएंगे। फ्रैंकलिन उसको वहां पे अकेला नहीं छोड़ना चाह रहा था, इसलिए उसको अपने साथ बेस पे ले जाने का फैसला करता है। पर बेस पे जाने से पहले जिस काम के लिए वो निकला है उसको पहले निपटाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो जाता है अगले लोकेशन पे जहां पे उसे एक और पौधा मिलने वाला था। इधर फ्रैंकलिन जाता है एक एक करके सभी पौधों को लेने जितना लिस्ट में लिखा था। तो उधर माइकल ने भी 16 जगहों को चेक कर चुका था, पर उसे अभी तक ना तो अपनी फैमिली के बारे में कुछ पता चला है और ना ही कोई हिंट मिला। लेकिन हिम्मत तब भी उस पर बरकरार था, इसलिए इतना थकने के बावजूद वो पहुंच जाता है अगले लोकेशन पे। खैर वो हर एक जगह को अच्छे से देखता तो है, पर यहाँ पे भी सेम उल्टे फुलटे चीजें और ज़ॉम्बीज के अलावा यहाँ पे माइकल को और कुछ भी नहीं मिला। और अब जितना टाइम बीत रहा था माइकल की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ रहा था, पर जैसे तैसे उसने अपने आप को संभाला और जाने लगा अगले लोकेशन पे। लेकिन थोड़ी दूर गया ही था कि उस पे कुछ लोगों ने हमला कर देता है। माइकल को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उन लोगों ने क्यों उसके ऊपर हमला किया। इस सवाल का जवाब उसे मिलने ही वाला था कि तभी बेस से किम का एक मैसेज आता है। किम ने कहा अभी भी माइंड वाले लोकेशन पे हलचल थोड़ी ज्यादा होने को देखने को मिला है, मतलब हो सकता है वो लोग अभी भी वहाँ पे मौजूद हो, या फिर ये भी हो सकता है वो लोग वहाँ पे कुछ भूल गए हो जिसको लेने के लिए वापस वो लोग वहाँ पे गए होंगे। किम और भी कुछ बताने की कोशिश तो करता है लेकिन कनेक्शन टूट जाने की वजह से बात अधूरा रह जाता है। लेकिन जितना भी किम ने कहा वो काफी था माइकल के। माइकल ने फटाफट गाड़ी को मोड़ा और जितना तेजी से हो सका रफ्तार को बढ़ा के गाड़ी को भगाने लगा और जाने लगता है उस वाले जगह पे जहाँ पे किम ने मैसेज दिया था। दूरी बरकरार रखते हुए ट्रेवर भी माइकल के पीछे पीछे जाने लगता है। इधर फ्रैंकलिन एमा के साथ पौधों को कलेक्ट करने के लिए जाता है। बहुत देर तक इधर उधर छानबीन करने के बाद आखिरकार उनको पौधे मिल जाते हैं और उसको लेने के बाद अब वापस आने की बारी थी जहां अब इन पौधों को एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाएगा। तो उधर माइकल से पहले ही ड्राइवर उस जगह पे पहुंच जाता है और माइकल का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद माइकल भी उस जगह पे पहुंच जाता है।
लेकिन जितना भी ये संभल के वहां पे जाने की कोशिश करता है, पीछे से ज़ॉम्बीज ने इसका दिमाग खराब कर देता है। माइकल को डर इस बात का लग रहा था कि ज़ॉम्बीज के चिल्लाहट सुन के उनको ये पता ना चले कि कोई इंसान यहाँ पे आ रहा है। दूर से ही देख के साफ समझ आ रहा था माइकल के अंदर कुछ तो ऐसा जरूर है, क्योंकि इतने सारे जगहों को माइकल देख के आया लेकिन किसी में भी कोई बंदा मौजूद नहीं था। इसलिए माइकल दबे पैर के साथ आगे बढ़ने लगता है और एक एक करके बाहर जितने भी बंदे मौजूद थे, जितने भी बंदे पहरा दे रहे थे, उनको मारने का प्लान करता है। लेकिन पीछे से ज़ॉम्बीज ने माइकल का दिमाग इतना खराब करता है और माइकल और रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, तो वो फटाफट लॉन्चर निकालता है और फटाफट दे दनादन मारने लगता है उन ज़ॉम्बीज को, और साथ में वहां पे जितने भी सारे बंदे थे मौजूद उन सभी को निपटा देता है। और माहौल शांत होने के बाद दबे पैर के साथ वो अंदर जाने लगता है। इधर जैसे ही माइन के अंदर माइकल ने पैर रखा तो उधर पीछे से कुछ गुंडों ने उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। इस चीज को देखने के बाद ड्राइवर भी गाड़ी पे बैठता है और फटाफट जाने लगता वहां पे माइकल के पास, और इससे पहले कि वो लोग माइकल के ऊपर हमला करते तभी ड्राइवर वहां पे एंट्री लेता है और तबाही मचाता है। लेकिन इससे माइकल बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और ट्रैवर को गोली चलाने से फौरन मना करता है, क्योंकि माइंस के अंदर बहुत सारे ऐसे टैलेंट होते हैं और कहां से कौन कब भाग जाएगा यह अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ट्रैवर ने यहां गोली चला के हो ना हो शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद फौरन सभी जाके आसपास देखने लगते हैं। इसी बीच फ्रैंकलिन का एक मैसेज आता है एक बुरी खबर के साथ। फ्रैंकलिन ने बोला बेस पे एक एक्सपेरिमेंट का गलत असर होने की वजह से यहाँ वायरस फैल चुका है। यहाँ पे किसी को भी समझ में ये नहीं आ रहा था कि वायरस वहाँ पे कैसे फैल सकता है। तो फ्रैंकलिन ने बोला हमने वायरस का आक्रामक के बारे में पता कर लिया था और उसी के तहत हमारे साइंटिस्टों ने कहा अगर उनको कुछ पौधे मिल जाए तो वो लोग इसका वैक्सीन बनाने की कोशिश कर सकेंगे। फ्रैंकलिन एक एक करके सभी पौधों को लेके जब वापस बेस पे आता है और उसके बाद पौधों को यूज करके वायरस का वैक्सीन बनाने के प्रोसेस चलता है। करीब 2 से 4 घंटे तक एक्सपेरिमेंट चलने के बाद एक दवाई बनाया गया। वैसे वो दवाई ज़ॉम्बी वायरस के आक्रामकता को कितनी मात्रा तक कम कर सकता है वो देखने के लिए बनाया गया था। उसके बाद अब बारी थी वो दवाई एक ज़ॉम्बी के अंदर इंजेक्ट करने की। तो एक ज़ॉम्बी के अंदर उस दवाई को इंजेक्ट किया गया। 2 मिनट तक वो छटपटाता रहा और फिर अचानक वो शांत हो जाता है। 5 मिनट तक हम उसे देखने लगे पर कोई भी हलचल हमें देखने को नहीं मिला। हमने सोचा कि वो मर गया होगा, इसलिए कुछ साइंटिस्ट अंदर जाते हैं उसे देखने के लिए और तभी उसने अचानक से उन पे झपट्टा मार देता है और उनको काटने लगता है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन शायद दवाई की वजह से वायरस का आक्रामकता कम होने के बजाय उल्टा और बढ़ गया होगा, और देखते ही देखते वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाता है। फ्रैंकलिन और भी कुछ बताने की कोशिश करता है लेकिन और कुछ बताता इससे पहले कनेक्शन टूट जाता है और बात अधूरी रह जाती है। सब लोग फ्रैंकलिन की बात सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। सभी ने बेस पे कॉल कनेक्ट करने की नाकाम कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता है। और तभी वहां पे उनको एक अजीब सा स्मेल आने लगता है और वहां पे कुछ उनको साउंड भी सुनाई देती है। वहां बहुत सारे टनल्स होने के कारण उनको समझ में ये नहीं आ रहा था कि साउंड किस तरफ से एक्चुअल में कहां से आ रहा था। सभी लोग साउंड को फॉलो करते हुए अलग अलग जाके देखने की कोशिश करते कि साउंड एक्चुअल में कहां से आ रहा था, पर तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये लोग जितना टनल के अंदर जा रहे थे साउंड उतना अंदर से गूंज रहा था, और ऊपर से एक अजीब से गैस के होने के कारण माइकल का सर भी चकराने लगता है और वो ट्रेवर और जनरल साहब के पास वापस आने लगता है। पर जैसे वो उनके पास वापस आता है तो उसने देखा कि गैस के कारण वो लोग कुछ अजीब तरीके से हरकत करने लगते हैं। इससे पहले कि माइकल कुछ करता सर घूमने के कारण वो जमीन पे गिर जाता है। माइकल थोड़ा सा होश में था और उसी में वो देखता है किसी को उनके तरफ आते हुए। और वो शख्स जब उनके बहुत ही ज्यादा नजदीक आता है
तो माइकल ने देखा वो शख्स और कोई नहीं बल्कि लामार था। माइकल को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन कुछ करने के हालत में वो नहीं था। उसके बाद लामार उनके ऊपर एक अजीब सा गैस फेंकने लगता है, जिसके कारण उनका दम घुटने लगता है और उनको बहुत तकलीफ पहुंचती है। पर इसके बाद भी लामार रुकता नहीं है। उनको मारने के लिए लामार हर वो मुमकिन कोशिश करता है। बाद में वहां पूरे जगह पे पेट्रोल छिड़कता है और उसके बाद गोली चला के आग लगा देता है। और आग भी पूरी रफ्तार के साथ माइकल और ट्रेवर की तरफ बढ़ने लगता है। इससे पहले कि आग पूरी जगह में फैल जाए, लामार वहां से भाग जाता है। और इसके बाद क्या होगा? क्या माइकल और ट्रेवर बच पाएंगे? यहाँ आग में जल के वो लोग मारे जाएंगे। और बेस पे फ्रैंकलिन और बाकियों के साथ क्या हुआ? कनेक्शन लॉस्ट होने के कारण तो बाद में क्या हुआ वो समझ में नहीं आया। क्या वो लोग ठीक है या फिर क्या वो लोग भी ज़ॉम्बीज बन चुके हैं? और क्या होगा आगे, जानेंगे नेक्स्ट 100 डेज में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करना। टारगेट रखते हैं, चलो आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। आई नो आप लोग करवा दोगे, तो जल्दी से करवा दो। जितना जल्दी के लाइक एंड कंप्लीट कराओगे उतना जल्दी इसका अगला पार्ट आएगा। तो फटाफट लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि इसका अगला पार्ट जो आने के तुरंत आप सबसे पहले देख सको। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।